मिनिमम रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम रिवीजन, ये एक मंत्र है जो आपका ये बेसिकली ये आप देखोगे सभी का मंत्र होता हूँ। और साथ में डेली के मैं जैसे 6 बजे आया तो 6 बजे से 12 बजे मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, तो वहाँ पे 6 घंटे मैं निकाल लेता। आज पढ़ा, हम कल रिवाइज करें, एक वीक बाद रिवाइज करें, 21 डेज बाद रिवाइज करें और 28 डेज बाद रिवाइज करें। जो रॉन्ग आंसर्स है उनको अच्छे से एनालाइज करना, और वो किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज से वो बेटर होता है। कॉम्पिटिशन वहाँ आती है जहाँ पे लिखने की बात आती है, क्या आप उस पेपर को उतने टाइम में क्वालिटी कंटेंट के साथ पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपके पास 8 महीने हैं तो मैं एज ए आपका दोस्त या कलीग मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अभी मेंस की तैयारी करें, दूसरे रीडिंग में फिर आप सोचें एज ए एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं ये पॉइंट पढ़ रहा हूं तो क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। कोचिंग उनको लेनी चाहिए जो अभी बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि क्या होता है ना, एक अच्छे मेंटरशिप से आपका एक बहुत क्रूशियल टाइम बच जाता है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ डाउट होता है सर, सर उस पर सर कैसे वो कमांड करे, उस पर कैसे काबू पाए, मतलब कि होता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा, मैंने पढ़ा है ये आएगा कि नहीं है, कि सर प्लान बी सर स्टूडेंट रखे या फिर सिर्फ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहा है तो उसी में सिर्फ लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ सौरभ भगत सर हैं, 68 BPSC का अभी इंटरव्यू देकर सर बाहर निकले हैं, तो सर से जानेंगे कि सर का किस टाइप का इंटरव्यू हुआ, कौन सा बोर्ड था, किस किस टाइप के क्वेश्चन रखे गए इनके सामने, और सर का अब तक जर्नी क्या रहा। सर चूंकि अभी रेलवे में जॉब भी करते हैं तो जॉब के साथ किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना और टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, और सर का क्या कंटेंट, क्या बुक लिस्ट किस तरीके सर प्रिपरेशन कर यहाँ तक पहुँचे हैं। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरव्यू के लिए। सर अपने बारे में सर ब्रीफली बताएं, और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड सर क्या रहा। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड, मैंने कंप्यूटर साइंस में ऑनर्स किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से 2019 में। उसके बाद मैंने 3 साल प्राइवेट फॉर्म में काम किया एज ए डिजिटल मार्केटर, और उसके बाद मैं पिछले 1 साल से रेलवे में हूँ, अकाउंट्स, रेलवे अकाउंट्स में हूँ। तो यही मेरी अभी तक की जर्नी रही है। ओके। सर कैसा रहा सर इंटरव्यू, सर कौन सा बोर्ड था, सर क्या क्या क्वेश्चन सर पूछेगा आपसे। इंटरव्यू वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मेरा गंगा बोर्ड था, और ज़्यादातर जो मैं कहूँगा 90% इंटरव्यू जो है मेरा वो मेरे जॉब प्रोफाइल पे ही रहा, रेलवे से रिलेटेड। तो अप्रॉक्स 90% जॉब प्रोफाइल से रहा। कुछ क्वेश्चन जो थे मेरे कंप्यूटर साइंस से थे, और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थोड़ा बताएं। हाँ, क्वेश्चन जैसे रेलवे में था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, द नेगेटिव्स एंड द पॉजिटिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। उसके साथ में था कि जो बुलेट ट्रेन या वंदे भारत ट्रेन चल रही है इसका यूज़ केस क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो आम लोग हैं वो अभी भी धक्के खा रहे हैं ट्रेन में, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। प्लस द कवच, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, उन्होंने काफ़ी अंदर तक कवच को पूछा, जो कवच हमारा कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ट्रेन का, उसके बारे में पूछा। प्लस RRS के जो रेलवे, राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा कोष है, उसमें कैसे आउटले वगैरह बन रही है और उससे कैसे हेल्प मिलता है हमें एक अच्छा बजट बनाने में, जो कि एक सेफ रेलवे नेटवर्क को जन्म दे। तो ये सारी क्वेश्चंस हमारे, कंडीशनल सवाल नहीं था, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। ट्रिकी क्वेश्चंस ये थे कि जैसे ऑप्शन मेरा ज्योग्राफी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस है नहीं ऑप्शन लेने के लिए ऑप्शन, तो मैंने ज्योग्राफी लिया था क्योंकि वो साइंटिफिक सब्जेक्ट है थोड़ा। तो उसमें एक क्वेश्चन था, उन्होंने किया था कि नॉर्थ पोल पे अगर आप हैं तो आपका ईस्ट कहाँ होगा, ईस्ट कहाँ पे होगा बेसिकली। तो नॉर्थ पोल के आसपास पूरा साउथ ही होता है, ईस्ट या वेस्ट नहीं होता है नॉर्थ पोल पे। तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। प्लस एक स्पेक्स को लेके मेरे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था कि आपने जो स्पेक्स पहना हुआ है वो कैसे काम करता है, और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, आप मायोपिक हैं या हाइपरमेट्रोपिया है। तो ये सारे क्वेश्चन थे बेसिकली। और प्लस रेलवे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि जैसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी DYSP है, तो RPF के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया कि कैसे सिमिलैरिटी और क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक RPF में और एक स्टेट पुलिस में। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। ओके। सर टाइम मैनेजमेंट की बात करिए, सर टाइम मैनेजमेंट सर कैसे करते होंगे, क्योंकि सर रेलवे में सर जॉब करना, उसके बाद सर प्रिपरेशन करना, सर बहुत सारे स्टूडेंट सर रूम में पैक होकर पढ़ाई कर रहे 24/7, उसके बाद आपको सर्विस भी करनी है और फिर पढ़ाई मैनेज करना, सर टाइम कैसे निकालते होंगे। सर टाइम का तो जैसे ये है कि मिनिमम रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम रिवीजन, ये एक मंत्र है जो आपका ये मंत्र है। ये बेसिकली ये आप देखोगे सभी का मंत्र होता है जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग मेहनत करके, तो यही मंत्र होता है। आपको रिसोर्सेज के पीछे भागना नहीं होता है, आपको अपनी रिसोर्सेज को मिनिमम रखना होता है। और साथ में आपने पूछा कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, तो जैसे मैं 6 बजे शाम में, मेरी जैसे होती है कि 9:30 से 6 की मेरी शिफ्ट होती है रेलवे की, और सैटरडे संडे मुझे, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ दिल्ली में, तो वहाँ पे मुझे मिल जाता है। तो सप्ताह के 2 दिन निकलते हैं जिसमें मैं अपना पूरा लगा देता हूँ, और साथ में डेली के मैं जैसे 6 बजे आया तो 6 बजे से 12 बजे मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, तो वहाँ पे 6 घंटे मैं निकाल लेता हूँ। और साथ में रेलवे में जो बीच में एक आधे घंटे का विंडो होता है एक लंच ब्रेक, तो उसको यूटिलाइज करता हूँ मैं रिवीजन करने के लिए। तो ऐसे मैं कर पा रहा हूँ।
तो ऐसे ही चल रहा है सर। इसका मतलब आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है सर, कहीं ना कहीं सर वो लर्निंग सर कैपेबिलिटी सर किस तरीके से स्ट्रांग किया आपने? जैसे कि मतलब बेसिकली मेरा सवाल ये है, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो उसको जल्दी कैसे सीख सकते हैं, मतलब कैसे उसको जल्दी हम कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो कैसे हम विकसित कर सकते हैं? इसका एक अच्छा ऑप्शन ये है कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हैं जी। और ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, एक रिमेम्बरेंस कर्व होता है। आप लोग कभी सर्च करोगे ऐसे जाके कि व्हाट इज़ फॉरगेटिंग कर्व बेसिकली, तो आप देखोगे कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे आप भूलते जाते हैं। तो ज़रूरी है हमें कि जो आज पढ़ा हम कल रिवाइज करें, एक वीक बाद रिवाइज करें, 21 डेज बाद रिवाइज करें और 28 डेज बाद रिवाइज करें। तो 7-7 बार में आप करके अगर चार बार चीज़ों को रिवाइज कर देते हो और फिर उसको कभी नहीं बोलते हो, साथ में आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें, लिखें उस चीज़ को, तो उसके बाद आप कभी नहीं बोलोगे उस चीज़ को। ओके सर, प्रीलिम्स का सर आपका स्ट्रेटेजी वगैरह क्या रखा था आपने, और सर उसके अलावा सर बुक लिस्ट कंटेंट सर किस टाइप का था? देखिए PYQ जो है वो एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं कहूँगा कि चाहे वो BPSC हो चाहे UPSC का प्रीलिम्स जो मैंने निकाला, वो PYQ से ही पॉसिबल हो पाया है। PYQ अब क्या करते हैं कि लोग बच्चे लगा लेते हैं कि अच्छा मेरे 150 में से 100 सही हो गए तो इट मींस मैं क्वालिफाई हो गया, ऐसे नहीं करना है वो, क्योंकि रिपीट करके सेम क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है BPSC क्या पूछेगी, जो पिछले एग्जाम में जो रॉन्ग ऑप्शन थे उसको एज ए क्वेश्चन इस बार पूछने वाली है। तो आपको ज़रूरत है कि सारे जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना, और वो किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज से वो बेटर होता है कि आप PYQ को एनालाइज करें, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको पार लगा सकती है। सर कुछ बुक लिस्ट वगैरह बताएं कि जैसे कि जो बुक लिस्ट आपने फॉलो किया, और सर आपकी स्ट्रेटेजी सर अब क्या होनी चाहिए 70th BPSC के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स जो देने जा रहे हैं इस बार सर? मैं तो जो मेरा स्टैटिक ऑलरेडी प्रिपेयर है तो मैं उसको बस एनरिच करने वाला हूँ अपने करंट अफेयर से, और जो 69th मैंने फिर से मेंस दिया है जो कि अभी 6 तारीख को ख़त्म हुआ है, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी को थोड़ा और इन्हेंस करने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं BPSC में चाहे वो प्री हो या मेंस हो, प्री में तो चलो आपको नए तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, UPSC के तर्ज पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेंस में अब क्या हो रहा है कि मेंस में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्टैटिक से ज़्यादा रिलेट करके आ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं जो एक सीरियस कैंडिडेट होता है। कॉम्पिटिशन वहाँ आती है जहाँ पर लिखने की बात आती है, क्या आप उस पेपर को उतने टाइम में क्वालिटी कंटेंट के साथ पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, तो क्वालिटी वहाँ पे मैटर कर जाती है। तो आपको जितना लिखने का आप रिवाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, और माँ सरस्वती किसी का ऋण नहीं रखती, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप जरूर सफल होंगे। सर आपको भी जरूरत ना पड़े 70th BPSC में प्रीलिम्स में अपीयर होने के लिए, इस बार सर्विस करते हैं पहले ही रिजल्ट आपका फाइनलिस्ट में सर नाम हो। थैंक यू सो मच। सर मैं ये कह रहा था कि सर जो एस्पिरेंट हैं जो एकदम बिगिनर हैं बिल्कुल, उन्होंने डिसाइड करा कि हमें 70th में जाना है, उसके पहले वो कुछ भी पढ़े नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम न्यू कमर हैं, सर वो कैसे अब आप 8.5 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि उनका प्रीलिम्स अभी से निकल सके? अगर आपके पास 8 महीने हैं तो मैं एज ए आपका दोस्त या कलीग मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले अभी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि आप अगर अभी के 2 महीने अगर मेंस को देते हैं तो जब आप प्रीलिम्स देंगे उसके 3 महीने को आप प्रीलिम्स के लिए यूज़ कर पाएंगे, उस समय आप टेस्ट लगाइए, आप PYQ एनालिसिस कीजिए जैसे आपने बोला, लेकिन अभी का जो क्रूशियल टाइम है, क्योंकि जब आपके प्री का रिजल्ट आ जाएगा उससे मेंस तक ज़्यादा टाइम आपके पास रहता नहीं है, प्लस जो ऐसे है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। ऐसे क्योंकि मैंने UPSC के लिए प्रिपेयर किया हुआ था तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हार्ड कोर जो BPSC एस्पिरेंट होता है उसको ऐसे बस 68 से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ज़रूरत है जो अभी बच्चों बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाइयों, तो उनके लिए ज़रूरत है कि वो पहले अभी मेंस के लिए ऊपर फोकस करें और लास्ट के 3 मंथ्स में प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करें और PYQ उसको एनालाइज करके उससे रिलेटेड कंटेंट को वो पढ़ें। सर नोट्स वगैरह के बारे में सर आपका क्या ख्याल है, किस तरीके से नोट्स बनाया जाए ताकि वो इन रीच हो सके नोट्स, उसका क्या तरीका होना चाहिए सर? इससे मान के कोई टॉपिक हमने आज पढ़ा कोई भी सब्जेक्ट का, सर क्या उसको नोट्स फॉर्मेट में तुरंत लेके जाएं या फिर 2-3 रीडिंग बाद नोट्स को प्रिपेयर करें? फर्स्ट रीडिंग में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा नोट्स बनाने के लिए, फर्स्ट रीडिंग में आप पहले चीज़ों को ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाएंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि जितना बुक में लिखा हुआ है पूरा का पूरा नोट्स बना लिए, मेरे साथ भी होता है या सबके साथ होता है। तो पहले आप फर्स्ट रीडिंग करें, दूसरे रीडिंग में फिर आप सोचें एज अ एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं ये पॉइंट पढ़ रहा हूँ तो क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है, अगर बन सकता है तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, फिर उन खास खास चीज़ों को आप नोट्स में लिखेंगे। तो ऐसे करके नोट्स हम लोग बना सकते हैं, और सबका नोट्स बनाने का तरीका बहुत अलग होता है, कोई एवरनोट पे नोट्स बनाते हैं, कोई फिजिकल कॉपी पसंद करते हैं, तो आप चाहिए कि सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में जब आप रिवाइज कर रहे हैं रीड कर रहे हैं बेसिकली, तब जो चीज़ आपको याद नहीं है, अब ज़रूरी नहीं है सब चीज़ का नोट्स बना ले, जैसे प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ गवर्नर, ये सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए एक एस्पिरेंट को, इस पे नोट्स बनाने बैठेंगे तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास,
है ना, हमें क्वालिटी वर्क करनी है कम समय में। सर किसी का सर स्टैटिक पास्टर स्ट्रांग होता है, किसी का सर करंट भी स्ट्रांग होता है, सर दोनों को सर रिलेट करके सर कैसे सर आंसर को सर लिखा जाए जिसकी वजह से आंसर बहुत रीच हो सर, उसमें सर क्या इसका अच्छा तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ कि मैं जब भी किसी करंट अफेयर्स को पढ़ता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जैसे यूपीएससी में जीएस 1, 2, 3, 4 तक होते हैं तो वहाँ पे मैं रिलेट करता था कि ये कौन से जीएस से हो सकता है। यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो जीएस 1 से हो सकता है या 2 से हो सकता है, या फिर अगर कोई केस स्टडी दी हुई है किसी न्यूज़पेपर में या फिर एनेक्डोट दिया हुआ है, कोई स्टोरी से शुरू होता है, तो उन चीज़ों को एज इट इज़ आप एसे में एनेक्डोट के जैसे इंट्रो में यूज़ कर सकते हो या फिर आउट्रो में यूज़ कर सकते हो कंक्लूजन में, तो वो सब चीज़ें आप गैदर कर सकते हो यहाँ से, तो कंटेंट को इस तरह से आप एनरिच कर सकते हो। सर आपने सर कोचिंग वगैरह लिया है या फिर सर बिना कोचिंग का सर क्या लगता है, यदि कोचिंग लिया है तो आप सर रियलाइज कर रहे होंगे, एनालाइज किया होगा अब तक कि कोचिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। यदि कोचिंग नहीं लिया है आप यहाँ बीपीएससी भवन के अंदर आप पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, फिर ये भी आपने समझा होगा कि नहीं बिना कोचिंग पॉसिबल है, तो सर अभी क्या रहा है सर दोनों पर्सपेक्टिव को सर कैसे देखते हैं? सर मैं अपना बताऊँ तो ऑनेस्टली मैंने कभी कोचिंग किया नहीं है। कोचिंग उनको लेनी चाहिए जो अभी बिल्कुल बेसिक हैं, क्योंकि क्या होता है ना एक अच्छे मेंटोरशिप से आपका एक बहुत क्रूशियल टाइम बच जाता है जो मुझे खुद समझने में थोड़ा हो सकता है टाइम लगा होगा। तो अगर जो बिगिनर है बिल्कुल वो कोचिंग ले सकते हैं, जो एक महीना जिन्होंने पढ़ लिया या दो महीना जिन्होंने पढ़ लिया, आप सिलेबस को समझे, सिलेबस के सारे पॉइंट्स को समझे, PYQ को एनालाइज करें, फिर आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर एक बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ डाउट होता है सर, सर उस पर सर कैसे वो कमांड करें, उस पर कैसे काबू पाएँ, मतलब कि होता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा होगा कि नहीं होगा, मैंने पढ़ा है ये आएगा कि नहीं आएगा, सर सेल्फ डाउट सर बहुत बड़ी चीज़ है, सर सर आपने फेस किया हो तो सर उसको कैसे सर कम करें? सेल्फ डाउट को फेस सभी करते हैं, सबकी ज़िंदगी में ये सेल्फ डाउट वाला पोर्शन जो है ये आता ही आता है। इसको मैं कैसे काउंटर करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि बस यही तो ज़िंदगी नहीं है ना, ये ज़िंदगी का एक पार्ट है और इसको फेस करना है, मेरे सामने जो है उसको फेस करना है, होगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो इससे बेटर मिलेगा, और यही सोच के आगे बढ़ना है अपने को। सर सर आपके 2-3 पॉइंट्स जो आप स्टूडेंट को सर बताना चाहें, जो आपके सर फेलो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहें? मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे आप मुझे देख रहे होगे, पिछले साल मैं आपको देख रहा था, मैं और लोगों को देख रहा था, तो ये सर्कल चलता रहता है, और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बेसिक से ही शुरू से ही एक अच्छी मेंटोरशिप अगर मिल जाती है और कंटेंट वो कलेक्ट कर पाते हैं अच्छा जिसको यूज़ कर सके, क्योंकि मेंस बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है 900 नंबर्स, इंटरव्यू वैसे भी 120 मार्क्स का होता है, मेंस में आप अगर बहुत अच्छा करते हैं तो आपको रैंक मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए अगर जो 78 देना चाहते हैं वो मेंस पे अभी से फोकस करें, क्वेश्चंस को देखें और टाइम लिमिट के अंदर 3 घंटे के अंदर पेपर को कंप्लीट करने की हैबिट बना लें, तभी आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर सबको आता होगा जो भी आपके भाई बंधु पास में एग्जाम दे रहे होंगे, बस उसको क्वालिटी कंटेंट कम समय में लिखना इज़ अ मस्ट थिंग। सर मुझे एक लास्ट सवाल सर याद आ रहा है, क्योंकि सर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, सर प्लान बी की बात हो जाती है यहाँ पे, सर जैसे आप मुझे नहीं लगता है कि फाइनेंशियल प्रेशर होगा, रेलवे में जॉब कर रहे हैं अच्छी खासी तनख्वाह होगी आपकी, सर प्लान बी सर स्टूडेंट रखे या फिर सिर्फ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहा है तो उसी में सिर्फ लगे, या फिर कोई भी छोटा मोटा जॉब लेके ऊपर बस स्टेबल हो जाए, सर इस बारे में आपका क्या ख्याल है? एक एस्पिरेंट स्टोरी आई थी शायद मे भी आपने देखा होगा, देखा है क्या? कौन सी एस्पिरेंट स्टोरी? एस्पिरेंट, हाँ एस्पिरेंट लाइफ आई थी, वो सीरीज आई थी सर, जी, देखा जी, है आपने? जी जी देखा। प्लान बी की बात होती है सर उसमें, जी, जी, जी। आपका सर क्या कहना है, मतलब कि सिर्फ एक पे एकदम रिजिड रहा जाए या फिर क्या इसमें कहना चाहेंगे? सर जो यहाँ पे सिलेक्शन का रेशियो है, हमें पैशन जोश इज अ गुड थिंग, बट जो सिलेक्शन का रेशियो है उसको भी हमें देखना पड़ेगा, प्लान बी इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट आप कोशिश करें कि आप 2 अटैम्प्ट तो अपना फुल फेस दीजिए, 2 अटैम्प्ट के बाद आप प्लान बी के लिए सोच सकते हैं, तो मेरी ये कट शॉट ये रहेगी स्टार्ट, मतलब आपको मैसेज कि आप 2 अटैम्प्ट अपना पूरी लगन से दीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, इस बार सर सर्विस करता हूँ सर, फाइनलिस्ट में नाम है, ताकि सर एक बार और सर इंटरव्यू। थैंक यू।